चार साल के लंबे ब्रेक के बाद शाहरुख खान ने बीते साल वापसी की। उनकी कमबैक फिल्म थी पठान। पिक्चर आई और दुनिया भर में भौकाल काट दिया। बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का कारोबार किया था। इसमें शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी नजर आए थे। इसे सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था। अब शाहरुख खान और सलमान खान की टाइगर वर्सेस पठान आ रही है। हालांकि इसे बनने में अभी वक्त लगेगा। इससे पहले पठान के सीक्वल का ऐलान हो गया। एक बार फिर शाहरुख खान पठान बनकर वापसी करने वाले हैं। इसके दूसरे पार्ट में पहले से ज्यादा धमाका होने वाला है। पठान 2 की स्क्रिप्ट तैयार भी हो चुकी है। इससे पता लगा है कि फिल्म की शूटिंग इसी साल के आखिरी में शुरू होगी, जो कि इस यूनिवर्स की 8वीं फिल्म है। शाहरुख खान की पठान 250 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई की थी। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पठान 2 को बड़े स्केल पर तैयार किया जा रहा। पहली वाली फिल्म के मुकाबले इसमें VFX और दूसरी तकनीक पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ऐसे में पिक्चर का बजट भी बढ़ा दिया गया है। पठान का सीक्वल पहले पार्ट से 75 करोड़ ज्यादा में बन रहा। इसका मतलब है कि पठान 2 325 करोड़ के भारी बजट में बनाई जाएगी। ऐसा पता चला है कि इसके एक्शन सीक्वेंस को आउटडोर लोकेशन पर शूट करने की योजना बनाई जा रही है। शाहरुख खान की यह फिल्म हर मायने में काफी बड़ी होगी। जल्द इस पर काम शुरू होने वाला है। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने मिलकर पठान में खूब भौकाल काटा था। हालांकि जब इसके सीक्वल का ऐलान हुआ तो कहा गया कि इस बार भी दोनों साथ दिखेंगे, लेकिन अब ऐसा होना मुमकिन नहीं लगता क्योंकि सितंबर में उनके घर नन्हा मेहमान आने वाला है। ऐसे में वो अपने बच्चे के लिए फिल्मों से कुछ वक्त का ब्रेक ले सकती है। जैसा कि फिल्म को लेकर अपडेट मिल रहा है, उसके मुताबिक इस साल के आखिर में इसकी शूटिंग शुरू होनी है। ऐसा कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण की जगह फिल्म में कोई दूसरी हीरोइन दिखेगी।